भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के पिता देवराज इंद्र यह भली भांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। तब श्री कृष्ण की युक्ति अनुसार देवराज इंद्र ने ब्राह्मण बन दानवीर कर्ण से दान में कवच और कुंडल मांग लिए, लेकिन कुछ मील जाकर इंद्र का रथ भूमि में धस गया। तभी आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तुमने अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए छल पूर्वक कर्ण की जान खतरे में डाल दी है। अब यह रथ यहीं धसा रहेगा और तू भी यहीं धस जाएगा। तब इंद्र ने आकाशवाणी से पूछा, इससे बचने का उपाय क्या है? तो आकाशवाणी ने कहा, अब तुम्हें दान दी गई वस्तु के बदले में बराबरी की कोई वस्तु देनी होगी। तब इंद्र फिर से कर्ण के पास गए और उन्होंने कवच और कुंडल वापस देने को कहा, लेकिन कर्ण ने लेने से इनकार कर दिया। तब इंद्र ने उन्हें अपना अमोघ अस्त्र देकर कहा कि यह तुम जिस पर भी चलाओगे वह मृत्यु को प्राप्त होगा, लेकिन तुम इसका इस्तेमाल एक बार ही कर सकते हो। युद्ध में जब घटोत्कच ने कौरवों की सेना को कुचलना शुरू किया तो दुर्योधन घबरा गया और ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि आपके पास तो अमोघ अस्त्र है जिसके प्रयोग से कोई बच नहीं सकता, तो आप उसे क्यों नहीं चलाते? कर्ण कहने लगा, नहीं, ये अस्त्र तो मैंने अर्जुन के लिए बचाकर रखा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन पर तो तुम तब चलाओगे जब ये कौरव सेना बचेगी, ये दुर्योधन बचेगा, जब ये सभी घटोत्कच के हाथों मारे जाएंगे तो फिर उस अस्त्र के चलाने का क्या फायदा होगा? दुर्योधन को ये बात समझ में आती है और वह कर्ण से अमोघ अस्त्र चलाने की जिद करता है। कर्ण को मजबूरन अमोघ अस्त्र घटोत्कच के ऊपर चला देता है और इससे घटोत्कच मर जाता है और इस तरह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बचा लेते हैं।